आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। चीन, जापान समेत कई देशों में कोरोना का बम फिर से फूटा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस खतरे के बीच राहत की खबर सामने आई है कि केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वहीं इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ये वैक्सीन किस प्रकार से कोरोना से लड़ाई में कारगर साबित हो रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना की नेजल वैक्सीन को मंजूरी। भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित की नेजल वैक्सीन। नाक में स्प्रे के जरिए दी जाती है नेजल वैक्सीन। इनकोवैक नाक से देने वाली पहली कोविड वैक्सीन। बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल होगी नेजल वैक्सीन। कोविन पर उपलब्ध है भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन। इनकोवैक अभी सिर्फ निजी अस्पतालों में उपलब्ध। दुनिया भर में कोरोना मामले अचानक बढ़े हैं। चीन में हरकंप मचा है। इसे देख सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। ये वैक्सीन नाक के जरिए दी जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि इसे पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है। उन्होंने इसे वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि करार दिया है। नेजल वैक्सीन शुरुआत में प्राइवेट अस्पतालों में लग सकेगी। इस वैक्सीन को सरकार ने भारत के कोविड 19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आज से ही शामिल किया है। इससे पहले भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने भारत बायोटेक के इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। ये वैक्सीन नाक के जरिए स्प्रे करके दी जाती है। DCGI ने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को 18 साल ऊपर के लोगों के लिए मंजूरी दी है। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। भारत बायोटेक ने वैक्सीन के ट्रायल के बाद ये दावा किया था कि ये काफी असरदार है और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोरोना के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगी। कोरोना से लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी काफी मजबूत होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द कोरोना से रिकवर हुआ जा सके। कोरोना समेत ज्यादातर वायरस म्यूकोसा के जरिए शरीर में जाते हैं। म्यूकोसा नाक, फेफड़ों, पाचन तंत्र में पाया जाने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है। नेजल वैक्सीन सीधे म्यूकोसा में ही इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है, जबकि मस्क्यूलो वैक्सीन ऐसा नहीं कर पाती। ये वैक्सीन सिर्फ बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जाएगी, यानी जो लोग पहले वैक्सीन की दो डोज ले चुके हैं उन्हें ही ये वैक्सीन दी जाएगी। कोविन पोर्टल पर मौजूद डेटा बताता है कि अब तक 95.10 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन की दो डोज ले चुके हैं, लेकिन सिर्फ 22.20 करोड़ लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। बता दें कि कोरोना ने फिर से डराना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा चीन के हालात खराब है। देश में भी मास्क के साथ सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं ये वैक्सीन कोरोना से रोकथाम में बड़ी भूमिका निभा सकता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।